नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में पुलिस ने दो छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के कब्जे से पुलिस ने दुकानों से चोरी किए गए हजारों रुपए का माल भी बरामद किया है। रिफाइनरी पुलिस के हाथ लगे ये दोनों युवक देखने में भले ही भोले भाले से नजर आ रहे हों, लेकिन असल में हैं ये दोनों शातिर किस्म के चोर। इन चोरों ने एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम देकर रिफाइनरी पुलिस की नाक में दम कर रखा था। इन चोरों ने पहले बरारी कस्बा स्थित दो खोखों पर धावा बोलकर हजारों का सामान पार कर दिया और उसके कुछ ही दिन बाद गेट नंबर 9 स्थित एक दुकान में भी चोरी कर डाली, यानी एक हफ्ते में तीन चोरियां। चोरों की बेखौफी तो देखिए, चंद रोज पूर्व चोरी की वारदात करने के बाद भी ये शातिर मंगलवार की रात क्षेत्र में चोरी करने फिर आधमके। चोर घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले ही रिफाइनरी पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। दोनों अचनेरा आगरा के रहने वाले शिशुपाल और सोनू बताए गए हैं, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया हजारों का माल और दो बाइक भी बरामद की हैं। इस घटना के अनावरण को लेकर एसपी सिटी ने पत्रकारों को जानकारी दी। जी सर, बताइए। साथियों, रिफाइनरी पुलिस के द्वारा एक सराहनीय काम किया गया है। दो शातिर पेशेवर अपराधी पकड़े गए हैं जो घरों को टारगेट करते थे, रोड साइड के जो आइसोलेटेड मकान है उनको टारगेट करते थे, उससे माल निकाल करके बेचते थे। इनके द्वारा जो अपराध किया गया है वो वर्कआउट हुआ है, माल पूरी पूरी रिकवर हुआ है और इनसे कंटेनमेंट पिस्टल बरामद हुई है। इनका जो अपराध है ये गैंगस्टर एक जो है हमारा उसकी श्रेणी में आता है कि हम लोग आगे प्रिवेंटिव गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये रिफाइनरी पुलिस का एक बेसिक रूप से जो सराहनीय काम है और जो हमारे कप्तान साहब के तरफ से जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है कि हर थाना प्रतिदिन कुछ न कुछ अपराधियों के रोकथाम के लिए, अपराधियों के केस को वर्कआउट करने के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे, उस कड़ी में थाना रिफाइनरी का एक सराहनीय काम। सर, इसमें इनको गुंडाक्टर भी रखा गया है? नहीं, जब हम गैंगस्टर पे लगा रहे हैं, जो कि इनके द्वारा जो अपराध किया गया है वो आर्थिक अपराध है, तो ऑलरेडी ये गैंगस्टर के परिधि में आता है और इस पर हम आगे गैंगस्टर अपनी ठीक।